शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ मंडी जिला पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया है। जिला में चलाए गए स्पेशल अभियान के दौरान मंडी पुलिस ने बार बार ड्रंकन ड्राइविंग करने पर 68 चालकों के लाइसेंस रद्द करने को भेजे। साथ ही पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 66 लोगों को हिरासत में भी लिया है जो गाड़ी ड्राइव करने की हालत में नहीं। इस स्पेशल अभियान के दौरान मंडी पुलिस ने 15 दिनों के भीतर 176 शराबी वाहन चालकों के चालान काटे। यह जानकारी एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने दी। एसपी मंडी ने बताया कि हिमाचल पुलिस द्वारा चलाए गए इस अभियान के दौरान शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ मंडी पुलिस सख्ती से निपटी है। देखिए, ड्रंकन ड्राइविंग जो है कंटिन्यूस न्यूसेंस है जिसके वजह से हमारे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं और बहुत मिसहैपनिंग्स भी होती हैं। तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने इनफैक्ट पूरे स्टेट में हिमाचल पुलिस द्वारा जो है ड्रंकन ड्राइविंग के अगेंस्ट एक स्पेशल कैंपेन चलाया गया था 24 सितंबर से 8 अक्टूबर तक, जिसमें हमारे ज़िले के सभी थानों ने एक एग्रेसिवली कह सकते हैं आगे आके ड्रंकन ड्राइवर्स को जो है वो चेक किया कि ड्रंकन ड्राइविंग कहाँ कहाँ हो रही है, कहाँ ये प्रॉब्लम है। तो इस दौरान हमें 176 वायलेशंस जो हैं वो मिली और 68 ऐसे चालक हैं जिनके लाइसेंसेस जो हैं वो कैंसिलेशन के लिए रिकमेंड किए गए बिकॉज वो शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे। और डिटेंशन भी हमने किए, इस दौरान 66 लोगों को डिटेन किया हु वर इन ड्रंकन कंडीशन एंड कुड नॉट ड्राइव देयर व्हीकल्स। तो मेरी सबसे यही अपील रहेगी कि हम लोग आप लोग जो गाड़ी चलाएं वो किसी भी तरह के नशे की इन द दशा करके ना चलाएं और सेफ्टी गाड़ियां चलाएं। उज्जवल हिमाचल के लिए मंडी से उमेश भारद्वाज की रिपोर्ट। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय ग्रोवर होटल कांगड़ा।